दोस्तों, वेलकम टू चंदा शुल इलाहाबाद। आज हम लोग जानेंगे कैसे चंदा शुल का ऐप को इंस्टॉल करें या कैसे उस पर अपने कोर्स को देखें परचेज करें। ठीक, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने पर आपको क्या लिखना है, चंदा शुल इलाहाबाद। जैसे ही लिखेंगे तो आप सामने एक तरह का एक मतलब लोगो आ जाएगा और आपको क्या करना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर रिव्यू दे सकते हैं ऐप के बारे में। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन करना है। ठीक, ओपन बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आएगी। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऑब्लिक यूज़र आईडी और दूसरा लिखा है इंटर पासवर्ड। अगर आपको पहले आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की, ठीक है, अगर आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की तो आप यहाँ पे अपनी आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट। आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे दो लोगो दिए गए हैं, यूट्यूब, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है यहाँ पे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। कोई दिक्कत आती है ऐप से रिलेटेड तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर आप नए हैं तो क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको तीन या चार चीज़ें भरनी है। पहला, इंटर योर नेम, आपको अपना नाम भरना है। इंटर यूज़र आईडी योर सेल्फ, अब आईडी आप कुछ भी रह सकते हैं, नाम, नंबर, यानी मिला के, यानी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जरूरत नहीं, आप कुछ भी आईडी रख सकते हैं। इंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो या आपके साथ रहता हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद दो बार पासवर्ड, और क्या करेंगे, रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा, OTP आएगा। जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आपको OTP, ठीक है, जैसे ये मैंने भरा हुआ है, नाम हो गया, आईडी हो गया, आईडी कुछ भी हो सकती है, नंबर मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड डाला और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, प्लीज़ इंटर OTP हियर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला रजिस्ट्रेशन के समय वो आपको यहाँ पे OTP यहाँ पे डालना होगा। जैसे OTP डालेंगे, सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो सामने मैसेज आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, आईडी और पासवर्ड की। तो आपको जो अभी आपने आईडी या मोबाइल नंबर डाला दोनों में से एक चीज़ डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड डालेंगे और क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप का जो होम स्क्रीन है वो सामने आपके आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास आईडी बनी हुई, आपको आप अगर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो ये लिख रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप सामने ये मैसेज आ गया कि ये आईडी या ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, दो बार नया पासवर्ड डालेंगे और रीसेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है जो बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसी नंबर पे OTP मांगेगा। आपको क्या करना, OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है, अब अपना मोबाइल नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। इन द केस अगर आपके पास ये मैसेज आता है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस केस में, ठीक। उसके बाद जैसे ही आपने मान लो लॉगिन किया, आपने सक्सेसफुली सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन करेंगे आप सामने ये स्क्रीन आएगी, पहली स्क्रीन होम स्क्रीन होगी, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, हमारे थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे एक बटन है, क्लिक हियर टू ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स। अगर आपको कोई नोट्स हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने घर तक मंगवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम, पता, एड्रेस डालकर, ये सर्विस अभी चालू नहीं, जब चालू होगी बता दी जाएगी, अगले 10-15 दिन में चालू हो जाएगी, यहाँ से आप हार्ड कॉपी के लिए नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। फिर दूसरा कोर्स का देखिए, कई सारे टाइप है, होम कोर्सेज, परचेज कोर्स और फ्री नोट्स। तो पहला होम वाला देख लिया, आप कोर्सेज में जाके देखेंगे, कोर्सेज में आपके जितने भी हमारे द्वारा कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है। हर कोर्स के अंदर डेमो वीडियो है, आप उसको डेमो वीडियो को देख सकते हैं और उस कोर्स का कितना अमाउंट है, और आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, KBS, TRT, CTT प्राइमरी, UPTET प्राइमरी। ठीक, उसके बाद अगला टैब था, क्या था, कोर्सेज और परचेज कोर्स। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वो कोर्स कोर्सेज से हट कर कहाँ आ जाएगा, परचेज में। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा और उसके अंदर सारी वीडियो आप चाह रहे हैं, अगर आपने कोई कोर्स खरीदा तो परचेज कोर्स में वो कोर्स दिखेगा, अभी आगे देखते हैं कैसे आएगा वो। ठीक, अगला टैब था फ्री नोट्स का, जो भी स्टडी मटेरियल होगी, ये तो अभी डेमो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हट जाएगा, ठीक है, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा वो डालना फ्री नोट्स। जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे जो आपको टेलीग्राम यहाँ पे मिलते थे, अब आपको यहाँ पे मिलेंगे।
ठीक। तो फ्री नोट्स में आपको क्या मैम, जो भी मटेरियल कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, आप इसको फुली बिना कोई अमाउंट के डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक। तो मैंने मान लो कोई एक कोर्स लिया, मान लो BEO ले लिया, तो उसके अंदर सारे चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर अंदर 3-3 डेमो होंगे, अभी डेमो बन रहे हैं वो जल्दी डाले जाएंगे, तो डेमो भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको क्या करना है, बाई फुल कोर्स एट 5290 जो भी अमाउंट होगा आपको क्या करना, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो 3-3 अंदर दिख रहे हैं उसको पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को बाई करते हो। तो जैसे ही बाई फुल कोर्स एट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस में आपको अपना नाम सही सही भरना है, अपनी ईमेल आईडी सही सही भरनी, क्योंकि जो रसीद है, रिसीप्ट है, वो इसी पे जाएगी। अपना मोबाइल नंबर सही से भरना है, और कूपन कोड अगर कोई सर ने जारी किया, जैसे अभी न्यू ईयर का कूपन कोड कल चल रहा है C2020, तो समय समय पे अगर चंद्रा के द्वारा कोई कूपन दिया जाता है तो उस कूपन कोड को यहाँ पे डाल के आप फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे करंट में न्यू ईयर का जो कूपन कोड है C2020, उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पेमेंट ऑप्शन, यानी कितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, EMI, वॉलेट्स, UPI। तो आपके लिए आपके पास जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, ठीक। जैसे डेबिट कार्ड का यहाँ पे है तो कार्ड का नंबर हो गया, कार्ड का क्या नाम है, कार्ड पर एक्सपायरी और CVV, ATM कार्ड पे जो CVV पिन होता है 3 नंबर का, वो यहाँ डाल के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, यहाँ बहुत सारे बैंकों के नाम है, आपका जो भी नेट बैंकिंग आप जो चलाते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद वॉलेट्स, अलग अलग वॉलेट्स, फ्रीचार्ज, जियो मनी, ई पे लेटर, ओला मनी, जो भी आपके पास है आप उसके थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद UPI, अगर आप UPI चलाते हैं, गूगल पे या फिर भीम, जो भी हो आप चलाते हैं, आप वहाँ उस UPI एड्रेस को डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके सामने परचेज कोर्स जो कि खाली था, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो कि ऑलरेडी परचेज एक ID पर सीटेड प्राइमरी और UPTET प्राइमरी। तो जैसे आप मान लीजिए कोई कोर्स बाई करते हैं इस मेथड के थ्रू, तो परचेज कोर्स के अंदर वो जो जिसके लिए आपने पेमेंट किया है वो कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे जितनी भी टोटल वीडियो होंगी इस कोर्स के अंदर वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक। और सारी ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं, यहाँ पे 3 डॉट होगा जहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपना नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्लस अगर आपको ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस, अगर कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाहर आना है तो साइन आउट कर सकते हो, ठीक। जैसे प्रोफाइल वाला है तो प्रोफाइल में नाम हो गया, ID हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आप इस तरह अपने ऐप को चला सकते हो। लेकिन तो अभी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि बहुत सारी ID में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख रहा है, मतलब वो नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना, जो कि आपको यहाँ दिखेगा, ठीक। फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करें, अगर आपके सामने ये लिख के आता है कि ID या मोबाइल नंबर ID रजिस्टर दिखा रहा है, तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, जो रजिस्टर दिखा रहा है, वो फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और 2 बार पासवर्ड डालना और रीसेट कर देना है। अब आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अब आपको सीधे क्या करना, लॉगिन करना मोबाइल नंबर डाल के और जो नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के, ठीक है। तो इस तरह आप ऐप को यहाँ से आसानी से चला सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप WhatsApp भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सारी सुविधा सॉल्व होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।